दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सरल उपाय लाए हैं। ये उपाय एक लॉन्ग का है, जिसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। एक छोटा सा लॉन्ग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी आर्थिक संकट की स्थिति जरूर आती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में बरकत बनी रहे, धन का कभी भी अभाव ना हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती। तो उस स्थिति में ये छोटा सा लौंग आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। ये लौंग आपको कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपके जीवन में धन की या किसी भी प्रकार की पैसे की दिक्कत है, पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, नौकरी व्यवसाय में हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ भी हमारे पैसे अटक जाते हैं, आते नहीं हैं, तो कुल मिलाकर अगर आप पर किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हो, ऐसी स्थिति से आपको मुक्ति मिल जाए, पैसा हर तरफ से आपके घर में आए, धन आगमन की मार्ग खुल जाए, तो उसके लिए आप बस शुक्रवार के दिन एक लौंग का एक छोटा सा उपाय कर लें। लौंग का छोटा सा ये उपाय आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। आपका घर धन से भर देगा, आपके घर में बरकत होगी। तो आइए जानते हैं कि वह उपाय क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी दो शुक्रवार में से किसी एक दिन करना है। यदि आप स्त्री हैं, तो शुद्ध अवस्था में ही आपको इस उपाय को करना है। स्त्री के अलावा घर का अन्य कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले करना ये है कि शुक्रवार के दिन एक लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा ले आए। यदि आपको कपड़ा उस दिन नहीं मिला, तो आप विकल्प के तौर पर एक लाल कागज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उत्तम रहेगा अगर आप लाल कपड़े का इस्तेमाल करें। कपड़ा रुमाल जितना छोटा होना चाहिए। आपको बता दें कि ये उपाय शाम को या रात के समय करना उचित रहेगा। इस उपाय को करने से पहले नहा धो लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। यदि नहीं नहा सकते, तो हाथ पैर अच्छे से धो लें, खुद को पूरी तरह शुद्ध कर लें। अब आपको उस लाल कपड़े या कागज पर एक लौंग रख देनी है और उसके बाद माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। जो भी धन संबंधी दिक्कत है, आर्थिक समस्या है, उसे दूर करने की प्रार्थना करना है कि वे इन सब दिक्कतों को दूर कर दें और आपके घर में बरकत हो, धन के स्रोत खुल जाएं, घर में धन आगमन हो। माता लक्ष्मी से आवाहन करने के बाद अब आप उस लौंग को उसी कागज या कपड़े पर फोल्ड कर दें और उसे किसी लाल धागे से बांध दें और फिर उस लौंग की पुड़िया को लेकर अपने धन रखने के स्थान पर, चाहे वह आपके घर की तिजोरी हो, पर्स हो या जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, वहाँ पर आप इस पुड़िया को रख दें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। आप चाहे तो महीने भर बाद इस पुड़िया को हटाकर उसे पानी में बहाकर ऐसी दूसरी पुड़िया तैयार कर सकते हैं। आप जब तक चाहे इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपके घर में बरकत के लिए है। दुकान या व्यवसाय, हर जगह आप इसे कहीं पर भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए इस पुड़िया को धन रखने के स्थान पर रख दें। बस इस एक लौंग का ये छोटा सा उपाय करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। आपकी आर्थिक स्थिति
जो कि पहले खराब थी उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। घर में व्यापार में बरकत होने लगेगी, हर जगह से धन का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन आप शाम को ये उपाय जरूर करें, आपको स्वयं इसका परिणाम दिखने लगेगा। ध्यान रहे, ये उपाय आपको चुपके से करना है, किसी को भी नहीं बताना, बस चुपचाप लौंग का ये कार्य कर लें। दोस्तों, यदि आप स्वयं की तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके साथ यदि आप छोटे छोटे उपाय कर लें तो इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में धन की बरकत होगी, कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी अवश्य देखें। जय मां महालक्ष्मी।